भागलपुर के सुल्तानगंज में श्रावणी मेला की ड्यूटी करने के दौरान फर्जी दरोगा को पुलिस द्वारा पकड़े जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि फर्जी दरोगा बनकर करीब एक साल से शेखपुरा के सादिकपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत निमान बीघा गांव निवासी रोशन कुमार अलग अलग जगहों पर ड्यूटी कर रहा था, जहां फर्जी दरोगा बनकर रोशन कुमार विभिन्न चौक चौराहों पर ड्यूटी के दौरान वसूली भी करता था। इसको लेकर भागलपुर SSP आनंद कुमार ने बताया कि सुल्तानगंज में श्रावणी मेला के दौरान ड्यूटी करने वाले फर्जी दरोगा रोशन कुमार को सुल्तानगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इसके बाद उससे की गई पूछताछ में फर्जी दरोगा रोशन कुमार ने पुलिस को बताया कि वह पुलिस में भर्ती होने के लिए करीब 4 से 5 साल पूर्व से ही तैयारी कर रहा था, लेकिन जब उसके ऊपर घर वालों का प्रेशर पड़ने लगा तो उसने खुद को पुलिस में भर्ती होने की झूठी खबर घर वालों को दे दी, जिसके बाद फर्जी दरोगा बनने के बाद उसकी शादी भी हो गई। SSP ने बताया कि शेखपुरा का रहने वाला फर्जी दरोगा रोशन कुमार ने कुछ माह पूर्व भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र में किराए का एक रूम भी ले रखा था, जहां से वह शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर ड्यूटी करने के दौरान अवैध वसूली भी करता था। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि करीब 2 माह से सुल्तानगंज में श्रावणी मेला चल रहा है, जिसमें ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मियों को उस पर शक हुआ, जिसके बाद उससे पूछताछ के दौरान उसके फर्जी होने का खुलासा हुआ, जहां पर उसे फर्जी पाया गया। वहीं फर्जी दरोगा रोशन कुमार ने नौकरी पाने में लगातार असफल होने के बाद किसी दलाल के चक्कर में आकर 20 लाख रुपया देने की भी बात कही। ये सुल्तानगंज में ये मामला प्रकाश में आया कल, जिसमें कि एक व्यक्ति, उसका नाम रोशन है और वो अपने नाम की ही नेम प्लेट लगाया हुआ था और पुलिस अवर निरीक्षक की वर्दी धारण किए हुआ था और मेले में ड्यूटी कर रहा था, और उसमें उसकी जो गतिविधियां संदिग्ध लगी और उससे जब पूछताछ हुई गहराई से तो पता चला कि ये फर्जी दरोगा है। ये व्यक्ति शेखपुरा जिला का शेखोसराय थाना है, वहाँ के सादिकपुर का रहने वाला है, और पूछताछ में जो तथ्य सामने आया कि इसने करीब 1 महीना पहले तिलकामांझी थाने अंतर्गत एक रूम का एक कमरा भी किराए पर लिया हुआ है और ये दूसरी बार सुल्तानगंज श्रावणी मेला में ड्यूटी करने के लिए ड्यूटी करने के नाम पर वहाँ पर पहुँचा था, और हम लोग इसका मोबाइल भी जब्त किए हैं और इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान भी चल रहा है कि यहाँ पर कब से मौजूद था और भी यहाँ पर किस किस जगह पर यह गया हुआ है। अभी जो है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में एक दो चीज़ सामने आ रही है। पहला तो ये है कि ये झांसा देके पैसा ऐठना, ये सब जो है इसके कार्यशैली में था। उसके साथ साथ ये इसके परिवार को, इसके समाज को पता, ये भी पता था कि ये दरोगा में चयनित हो गया है और यहाँ पे काम कर रहा था सुल्तानगंज मेला ड्यूटी में। उन्होंने अपने परिवार को ये बताया, तो उसके साथ साथ जो समाज में अपना अस्तित्व कायम करने के लिए वो ये सब जो है कृत्य करता था। ये दो चीज़ सामने आया है और उसके साथ साथ हम लोग जाँच करेंगे जो भी सामने आएगा। भागलपुर के तिलकामांझी चौक पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अतुल कुमार की कुछ युवकों ने जमकर पिटाई कर दी, जबकि इस दौरान वहां बीच बचाव करने पहुंचे 2 ट्रैफिक जवानों के साथ भी युवकों ने मारपीट और हाथापाई की। बताया जा रहा है कि ABBP कार्यकर्ता अतुल कुमार तिलकामांझी चौक होते हुए 0 माइल की ओर जा रहा था, तभी 0 माइल की ओर से आ रहे 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों ने सड़क पर लगे डिवाइडर में ठोकर मार दी, जिससे डिवाइडर अतुल के मोटरसाइकिल से टकरा गया और मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि अतुल को भी चोट लगी है। वहीं इसके बाद अतुल कुमार ने डिवाइडर में टक्कर मारने वाले मोटरसाइकिल सवार को पकड़ लिया, लेकिन ठोकर मारने वाले बाइक सवार युवकों ने मौके पर अपने समर्थकों को बुला लिया और अतुल की जमकर पिटाई कर दी। बड़ी बात यह है कि युवकों के पिटाई की घटना को देखकर जहां बीच बचाव करने ट्रैफिक पुलिस के जवान पहुंचे, तो बजाय अपनी गलती मानकर शांत होने के उल्टे पुलिस से ही युवकों ने मारपीट और हाथापाई करने शुरू कर दी। हालांकि मारपीट करने वाले 3 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। थाना से हम यहां जा रहे थे 0 माइल साइड, 0 माइल साइड जाते वक्त इधर से बाइक सवार दो आ रहे थे, एक बूढ़े से थे और एक जवान था, वो आया एकदम ओवरटेक करते हुए ग्रिल में ठोक दिया और गिरा दिया ग्रिल को। उस साइड जब हम आ रहे थे तो वो ग्रिल में चोट लगा हमको और बहुत गंदे तरीके से गिर कर मेरा बाइक भी चूर हो गया, तो हम उसको रोके, उसका हेलमेट खोले, बोले पहले मेरा बाइक का, पहले उसका बाइक का चाबी लिए, बोले बेटा मेरा बाइक का भरपाई करो तभी तुमको छोड़ेंगे, तुम्हारा चाबी देंगे हम। तब तक वो 10 लड़का बुला लिया, उससे मारपीट करने लगा, हमसे चाबी छीन लिया,
और फिर चाबी छीन करके भाग गया। तब तक जैसे प्रशासन आया वो भाग गया, दो प्रशासन आया भाग गया वो, भागा तो एक जो एक था बाइक से भाग गया और जो पीछे सवार था वृद्ध उतना ही चौक में था, तो उसको पकड़ने के लिए जैसे दौड़े तो पीछे से छः सात लड़का और बुला लिया, और जैसे बुलाया वो छः सात लड़का आ करके तिलकाही चौक पे एकदम मेरे से बहुत गंदे तरीके से मारपीट किया, छः मिल करके अकेला हमको मारा है। उसके बाद जैसे ही दो प्रशासन जो था वो दोनों बचाने के लिए आया तो पुलिस प्रशासन का जो है गला पकड़ के धकेला, कभी उसको बेल्ट से पकड़ाया, थाना तक आते आते उनके साथ बहुत सारी बदसलूकी की, और उसके साथ ही मेरे चैन जो था गले में उसको भी छीन लिया गया, हाथ का कड़ा जो उसको खोल के मारा गया, वो कड़ा भी मेरे पास अभी। भागलपुर शहर के सभी हथियार नाला को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए मंगलवार से जिला प्रशासन और नगर निगम के द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसको लेकर जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत बूढ़ानाथ मोहल्ले के स्कूल टोला में अतिक्रमण हटाने की शुरुआत की गई, जहां कई लोगों ने नाले पर ही मकान बना लिया था और ऐसे सभी मकान को चिन्हित कर उसके मकान मालिकों को मजदूर लगाकर तोड़वाने का निर्देश भी दिया गया। प्रशासन की ओर से अतिक्रमण की गई जगह को भी चिन्हित कर निशान लगा दिया गया है, जबकि खुद से अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्रशासन अपने स्तर से कार्रवाई करेगी। इसको लेकर सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने कहा कि लंबे समय से हथिया नाला पर अतिक्रमण था जिसे हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। एसडीओ ने कहा कि कई जगहों पर जेसीबी नहीं पहुंच सकती, जिसके कारण घर के मालिकों को अतिक्रमण खुद से तोड़कर हटवाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि अगर लोग खुद से घर नहीं तोड़वाते हैं तो जिला प्रशासन के द्वारा तोड़ा जाएगा और इसमें आने वाला खर्च अतिक्रमण करने वाले लोगों से वसूल किया जाएगा। देखिए, जैसा आप लोग को सभी लोगों को जानकारी है कि भागलपुर शहर का सबसे मुख्य नाला है हथिया नाला, और इसमें डीएम सर का भी विशेष निर्देश था कि इसका, चूँकि आप लोग को जानकारी है कि बहुत सारे जगहों पर अतिक्रमण कर लिया गया था जिसके कारण मोहल्लावासी या फिर शहरवासी को ही समस्या होती है, जिससे ड्रेनेज की इशू है, जल जमाव हुआ या फिर पानी के रुकने से अन्य प्रकार किसी भी प्रकार की बीमारियाँ जो फैलती है, तो इसमें अंचलाधिकारी द्वारा नापी करवाया गया था। लगभग दो तीन महीने का लोगों को समय भी दिया गया। जो भी नियम होते हैं उसके मुताबिक दोनों प्रपत्र में सभी को नोटिस निर्गत करके पर्याप्त समय भी दे दिया गया। इसमें बहुत सारे लोगों ने खुद से ही अतिक्रमण हटा लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी जिन लोगों के द्वारा अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है उनको जिला प्रशासन के द्वारा वो अतिक्रमण हटाया जा रहा है। साथ ही साथ हम लोग वैसे लोगों से सर्टिफिकेट कर केस कर वसूली भी करेंगे, जिसमें जिला प्रशासन की मशीनरी या फिर लेबर यूज़ हो रही है उसका हम लोग सर्टिफिकेट केस करके उसकी वसूली भी करेंगे। भागलपुर के कचहरी चौक पर एक स्कूटी से जा रही युवती को तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार लड़की सड़क पर गिरकर घायल हो गई, जबकि उसकी स्कूटी भी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं लड़की को सड़क पर गिरा हुआ देखकर आसपास के लोग और ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और फॉर्च्यूनर गाड़ी के चालक को साइड करने की हिदायत दी, लेकिन गाड़ी का ड्राइवर तेजी से निकलते हुए वहाँ से फरार हो गया। मेरा नाम नवल किशोर कुशवाहा हुआ और मेरा एज 38 साल हुआ। मेरा घर बेतिया जिला के मझौलिया प्रखंड में हुआ। मैं शुगर टेस्ट जहां करा रहा था वहां से मालूम चला इस डॉक्टर साहब के बारे में, तो मोतिहारी जिला के रामगढ़वा प्रखंड में एक शिक्षक यहां इलाज चला रहे थे और वो ठीक हो गए थे, उनके माध्यम से मालूम चला तो यहाँ आए। उस समय मेरा शुगर लेवल लगभग 260 था और उस समय बहुत कमज़ोर भी था, तो यहाँ आके इलाज करना शुरू किया। इलाज लगभग 3 महीना दवा खाए, 3 महीना दवा खाने के बाद अभी हम दवा छोड़े हुए मेरा 2-2.5 महीना हो गया। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600।
सुविधाजनक है क्योंकि पास में ही नागर महल है। मार्केटिंग के लिए और रिलैक्स होने के लिए सैलून को जरूर यूज करें। स्पेशली ब्राइडल मेकअप के लिए इन्होंने जो अरेंजमेंट्स किए हैं, ऑल द प्रोडक्ट्स दे आर यूजिंग आर अंडर देयर प्रोफेशनल्स, सो यू कैन ट्रस्ट। सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कलकत्ता की ओर से भागलपुर सुल्तानगंज के कमरगंज दुर्गा स्थान प्रांगण में गंगा यात्रा पर कई प्रतियोगिता एवं कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा प्रदर्शनी के साथ चित्रकला एवं क्विज प्रतियोगिता और कला सागर सांस्कृतिक संगठन की ओर से नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जबकि अरविंद यादव ने भजन और होम फाउंडेशन कलकत्ता द्वारा नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी गई। इसके अलावा दीपक दीपांशु ग्रुप द्वारा बनारस की तर्ज पर गंगा महाआरती एवं लोक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इससे पूर्व कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन डायरेक्टर आशीष गिरी, सहायक निदेशक तपोस सामंतोराय, वीडियो मनोज कुमार मुर्मू, कृषि पदाधिकारी अजय मणि, मंजूषा गुरु मनोज कुमार पंडित और सहायक राजेश पांडे ने हरी झंडी दिखाकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान पाल कला केंद्र दीपांशु ग्रुप के छात्र छात्राओं के साथ कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं को बेहतर प्रस्तुति के लिए पुरस्कृत किया गया, जबकि अतिथियों को भी अंगवस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मौके पर चंदन सिंह, सोनू कुमार, पवन सागर, राजेश शुक्ला समेत कई स्कूल के छात्र छात्रा और उनके अभिभावक मौजूद थे। नवमी गंगा का कार्यक्रम हुआ, हमको बहुत अच्छा लगा आके, और हम इसमें ड्राइंग में कंपटीशन किए थे और हम पाल कला केंद्र से हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। पाल कला केंद्र के कितने प्रतिभागी ने यहाँ भाग लिया? 8-9-10। सुपौल जिला के पिपरा गांव से गंगा स्नान करने भागलपुर आने के दौरान पुरसेला चौसा के समीप हुए सड़क हादसे में घटनास्थल पर ही दो बच्चे समेत 4 की मौत हो गई, वहीं करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। वहीं इस घटना में राजवीर कुमार, साक्षी कुमारी, शकुन कुमारी और श्यामा देवी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सिंटू कुमार, ऑटो चालक जगन्नाथ कुमार, कंचन देवी, घुटरी देवी, गुलिया देवी, सीता देवी सहित कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं घटना को लेकर टेम्पो चालक जगन्नाथ कुमार ने बताया कि हम लोग सुपौल जिले के पिपरा गांव से भागलपुर गंगा स्नान करने के लिए आ रहे थे, तभी दूसरे साइड से आ रही स्कॉर्पियो जिसमें कांवरिया सवार थे, तो ड्राइवर के आंख लगने की वजह से गाड़ी अनबैलेंस होकर ऑटो से टकरा गई, जिससे ऑटो पलटी खाकर खाई में गिर गई, जबकि टक्कर मारने के बाद स्कॉर्पियो ड्राइवर मौके से गाड़ी लेकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 3 लोगों के मौके पर मौत हो गई, जिसमें 2 बच्चे और 1 महिला शामिल है। वहीं घायलों को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अच्छा। मेरा घर हुआ थाना पर रहा है पिपरा जिला सुपौल, गांव का नाम हुआ राजपुर, टोला भोरा रही। मैं जा रहा था गंगा स्नान, मैं अपना 60 से जा रहा था, वो एक स्कॉर्पियो बोल बम से वो आ रहा था, हम जा रहे थे गंगा स्नान, वो अपना साइड छोड़ करके मेरे साइड में आकर के दिया गाड़ी को उधर। हम टेम्पो ऑटो से। कहाँ पर ये घटना हुई? ये घटना हुआ था आलमनगर के बीच में, किशुनगंज से थोड़ा लगभग 64 से यही 2-3 किलोमीटर ऐसे, लेकिन हम काम नहीं जाने, उतना इमरजेंसी में आ गए हम लेकर। लोग घायल हुए? घायल हो गया, घायल तो 10 लोग हुआ है और 4 मर गया।